जाने लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस नेता मदनगोपाल मेघवाल ने खाजुवाला विधानसभा के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने खाजुवाला ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर क्षेत्र के हाल के बारे में जाना। कांग्रेस नेता मदनगोपाल मेघवाल ने खाजुवाला विधानसभा के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किसानों के हालात जाने। कांग्रेस नेता ग्रामीण क्षेत्र में टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, यहां किसानों से रूबरू हुए। चक 23 बीडी के किसानों ने कहा कि टिड्डियों के कारण उनकी फसल संकट में है। चक 23 बीडी में सरबती देवी के खेत में टिड्डियों के कारण नरमे की फसल चौपट हो गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र कसवा ने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता मदनगोपाल मेघवाल ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कोरोना जागृति अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें बताया कि हमें जागरूक होकर कोरोना को हराना है। बैठक में किसानों को वर्ष 2018 का फसल बीमा क्लेम नहीं मिलना, किसानों को कृषि हेतु डिग्गियों पर अनुदान दिलवाने, कृषि हेतु अनुदानित डिग्गियां स्वीकृत करवाना, क्षेत्र में टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा तुरंत दिलवाने आदि समस्याओं को अवगत करवाया गया, जिस पर मदनगोपाल मेघवाल ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाकर आमजन की समस्याओं का निराकरण करवाया जाएगा। इस दौरान जियाराम पूनिया, साबुद्दीन पदिहार, रणवीर भाभू, देवकिशन शर्मा, करनाराम पूनिया, सर्वजीत सिंह, चेतराम भाभू, सुधीर विलियम, जगदीश खालिया आदि उपस्थित रहे। पूरे देश में विश्वव्यापी कोरोना महामारी चल रही है और किसान परेशान है। किसान एक अन्नदाता के रूप में किसान ने काम किया है कोरोना महामारी में, लेकिन जिस तरीके से टिड्डियों का पिछले काफी समय से प्रकोप चल रहा है, भारी तादाद में टिड्डी दल आता है और पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देता है। जैसे हमने देखा अभी नरमे की फसल आई है, मैं 17 केवाईडी में खड़ा हूँ, पूरे खाजवाड़ा छत्तरगढ़ पुगड़ पूरी विधानसभा में टिड्डियों ने जिस तरीके से आतंक मचाया, मैं समझता हूँ कि किसान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। और राज्य सरकार को हमने बार बार अवगत कराया, लेकिन राज्य सरकार ने समय रहते कभी भी टिड्डी पर नियंत्रण करने का काम नहीं किया। राज्य सरकार सिर्फ ये कहती है कि हम जल्दी इसका सर्वे करवा लेंगे और जिनका भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भरपाई करेंगे। ऊँट में ऊँट के मुँह में जिया देने वाली बात है, ये भरपाई कितनी होगी, किसी की 3 लाख का नुकसान हुआ है, 3-5 लाख का नुकसान हुआ है, स्प्रे के बारे में जब मांग करते हैं तो वो भी नहीं मिलता है। कई बार ट्रैक्टर में तेल की देने की बात करते हैं, ट्रैक्टरों को 2500 रुपये की बात करते हैं। लोगों ने स्प्रे किया था नियंत्रण करने के लिए भी बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन आज तक उनको कोई पेमेंट नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार किसानों के साथ एक वादा खिलाफी कर रही है और किसान बहुत परेशान है। आपके केंद्र में सरकार है तो आप भी केंद्र सरकार ने समय रहते हुए उन्होंने जो भी जितना भी उसके नॉर्म्स के अनुसार राज्य सरकार को अपने किस्त भेजी है, और केंद्र सरकार ने ये जो ड्रोन है हमारे बीकानेर जिले के लिए 4 ड्रोन 5 ड्रोन भेजे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अपना पूरा राज्य सरकार का काम है नियंत्रण करना, इनके कृषि अधिकारियों का प्रशासन के अधिकारियों का, लेकिन वो आगे नहीं हो रहा हो गया। विशेष विषय नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने भी एक अभियान चलाया हुआ है 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, कोरोना जागृति अभियान। उस अभियान की चर्चा के साथ साथ क्षेत्र में जो कुछ समस्याएं हैं, टिड्डी की समस्या है या अन्य समस्याएं हैं, उनके बारे में हमारे यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनसे बातचीत करके इलाके की समस्याओं को जानना और उनकी समस्याओं को उचित स्तर तक पहुंचा करके उनका समाधान करवाने का कोशिश है। उसके तहत आज ये मीटिंग हाउस की यहाँ पे सर एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे कॉलेज खुला था, राजकीय कॉलेज खुला था, वो आज तक जब से आपकी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से बंद पड़ा है सर, उसके बारे में थोड़ा इसकी भी करेंगे बात करेंगे कि क्या कारण है, क्यों वजह से है, तो उसकी करके
कॉलेज को खुलवा करके उसको प्रयास करेंगे। Thank you.